आज हम सभी बाबा के मधुर महावाक्य 18 जनवरी 1990 अव्यक्ति दिन के महावाक्य हैं और ब्रह्मा माँ ने बच्चों के स्नेह में बच्चों की बहुत दिल से प्यार से पालना करते हैं। बाबा की मीठी मीठी रूह रिहान हम सब सुनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चों का उलहना, सवेरे से बच्चे बाबा को उलहना देते हैं और बाबा भी बहुत प्यार से उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप बिना बताए हमसे चले गए, तो बाबा कहते हैं अगर मैं बताता तो क्या आप छुट्टी देते। कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए सब बच्चे साथ होते हुए भी उस समय सब इस बात को भूल गए थे कि बाबा जा रहा है। भले प्रश्नों की हलचल बाद में हुई, लेकिन सारा दिन ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं, न्यारे प्यारे सब कार्य करते भी उपराम थे, लेकिन किसी को भी भासना नहीं आने दी कि आज के दिन बाबा अव्यक्त हो जाएंगे। तो बाबा वो सब दृश्य 69 का वो दृश्य इमर्ज करके कहते हैं कि जैसे यज्ञ की स्थापना के समय ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ बहनों के आगे समर्पित कर दिया, ऐसे ही जब बाबा अव्यक्त हुए तो अपनी सारी पावर्स ने बच्चों को विल कर दी, इसलिए विल पावर बच्चों में आ गई। तो आज के इस महावाक्यों को, अव्यक्त महावाक्यों को सुनते हुए आप सब बाबा के स्नेह में समा जाना। बहुत प्यार से देश और विदेश के बच्चों को बाबा ने याद किया है, आह्वान किया है और अंतिम समय की कुछ निशानियां बताई हैं और वो निशानियां भी हम सब देख रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ बाबा की सेवाओं की धूम मचेगी, आपको बनी बनाई स्टेज मिलेगी, कोई भी प्रकार का खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको लोग बहुत प्यार से निमंत्रण देंगे कि आप हमारी स्टेज पर आओ, बहुत मिन्नत करके बहुत प्यार से आपको बुलाएंगे, बनी बनाई स्टेज देंगे और आपको बहुत ऊंची नजर से देखेंगे, VVIP की नजर से देखेंगे, तब प्रत्यक्षता होगी और जब प्रत्यक्षता होगी तो जो बच्चे कोई कारण से अलवे ले रहे हैं, अपना समय अपनी शक्तियों को व्यर्थ गंवाया है, जिन्होंने बाबा को पहचान नहीं पाया और अपनी शक्तियां व्यर्थ की है, वो तो पश्चाताप करेंगे। लेकिन बाबा कहता है रहम दिल बाप है, बच्चों का पश्चाताप भी वो देख नहीं सकता, इसलिए तुरंत परिवर्तन विनाश होगा। तो ये तीनों दृश्य बाबा ने आज के महावाक्यों में बहुत स्पष्ट रीति से बताए हैं कि प्रत्यक्षता, पश्चाताप और परिवर्तन ये तीनों साथ साथ चलेंगे। और अभी हम सब देख रहे हैं चारों तरफ से बाबा के बच्चे बहुत ऊंची नजर से सब देखते हैं, सब आमंत्रित करते हैं, सब अपनी स्टेज पर बुलाते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, सबकी नजरों में ब्रह्मा कुमारी जाई है। देश और विदेश में चारों तरफ से बाबा ने अपने बच्चों को तो प्रत्यक्ष कर दिया है, अभी हम बच्चों का कार्य है बाबा को प्रत्यक्ष करना। तो बाबा की मुरली सुनो, पहले सुन लो फिर मीठी मीठी रूह ध्यान करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, आप सब अमृत वेले हो, हम नमाज शाम में 7:30-8 बजने वाला है भारत में, ऐसे समय पर बाबा के मधुर महावाक्य सुनते समाते चलो। आज 27 फरवरी 2022 और ये ओरिजिनल मुरली की डेट है 18 जनवरी 1990।
मुरली का सार हेडिंग है स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुहे रहस्य, गुहे राज। आज सर्व बच्चों के स्नेही मात पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों के स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं? बच्चे सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न और संतुष्ट भव। ये वरदान अपने आप से पूछना, क्योंकि बाबा के स्नेह में जब हम विशेष समा जाते हैं तो बाबा भी बहुत प्यार से अपने स्नेही बच्चों को वरदान देते। बच्चे सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन है। सभी लवलीन है ना? आप सब प्यार के सागर में लवलीन हो जाओ। बाप दादा और उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों के को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। क्योंकि 18 जनवरी का दिन होता है तो सबके प्यार के नयन गीले होते हैं। सबकी स्मृतियों में ब्रह्मा बाबा ने कैसे हमारी पालना की, कितना श्रेष्ठ जन्म दिया, कैसे हमें शिक्षाओं से सजाया, शिव बाबा से मिलाया, तो सब ब्रह्मा बाबा के प्यार में खोए हुए होते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चे प्यार में लौलीन है ऐसे ब्रह्मा माँ भी सबके स्नेह में समाई हुई है। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लौलीन देख बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में। देखना, मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में मात पिता के सिवाय और कोई नहीं है। सब बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहां रुकते भी हैं तो मात पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाकर आगे बढ़ा देता है। आज मात पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा कौन? शिव बाबा ज्ञान सूर्य है और ब्रह्मा बड़ी माँ चंद्रमा है। तो आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। जैसे यज्ञ की स्थापना की आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की अर्थात विल पावर्स दी, सब कुछ समर्पित किया, ऐसे आज के दिवस भी ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल पावर्स दी। आज के दिवस नैनों द्वारा
और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन सोज फादर की सौगात दी। मालूम है ना वो दिन, सुना होगा कहानी तो, कि बाबा के सामने दादी प्रकाश मणि थी, बाबा उन्हें हाथ में हाथ देकर के नजर से निहाल करते करते अपनी सारी शक्तियां जैसे दादी को समर्पित कर दी। तो बाबा वो आदि का दृश्य याद कर रहे हैं, जब स्थापना हुई तब ब्रह्मा बाबा ने बहनों के आगे अपने आप को समर्पित किया, जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी वो मंडली का ट्रस्ट बनाया और सब कुछ उनको समर्पित कर दिया। ऐसे ही जब बाबा अव्यक्त हुए हैं 18 जनवरी को, तो दादी प्रकाशमणि जी को सामने हाथ में हाथ देते हुए नजर से नजर मिलाते उनको सब शक्तियां जैसे सौगात में विल कर दी। आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावन हार बाप के साथी बने। ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष रूप में शिव बाबा को यहाँ आना पड़ता था, और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान बन करके और सूक्ष्म तन में दोनों कंबाइंड हो गए। तो ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावन हार बाप के साथी बने। करण हार निमित्त बच्चों को बनाया और करावन हार मात पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपने सेवा की रीति और गति का परिवर्तन किया। आज के दिन विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता रूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने। इसलिए बने, बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ते रूप में उड़ाने के लिए। इतना श्रेष्ठ महत्व का ये दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिन नहीं है, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा के गति का परिवर्तन ड्रामा में नूंधा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति, विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए हुए सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं ने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति सन सोज फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ हुई। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होते ही विहंग मार्ग की सेवा देश विदेश में डंका बज गया सेवा का। नहीं तो बाबा के समय तो भारत में ही बहुत थोड़े से सेंटर थे, लेकिन बाबा अव्यक्त हुए और अव्यक्त वतन से बच्चों को तैयार करके देश और विदेश में इतनी सेवाओं की धूम मचा दी। तो बाबा याद कर रहे हैं कैसे विहंग मार्ग की सेवाएं बाबा के अव्यक्त होने के बाद शुरू हो गई। ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई, परिवर्तन हुआ ना। अब आगे चल सेवा में और भी परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं, क्या परिवर्तन बाबा देख रहा है? अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपीज को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल भविष्यवाणी क्या होगा? आगे चल आप स्वयं वीआईपी बन जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा, ये सबसे बड़े हैं। नशा चढ़ता है,
बाबा कह रहा है आपसे बड़ा कोई दुनिया में दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, आ जाओ भाई भाषण करके जाओ, हमको कुछ गाइड करके जाओ। अभी जब जाओ कहीं ना तो कहते हमारे घर में चरण घुमा के जाओ, थोड़ा सा मिल करके जाओ, सबको आशीर्वाद दे के जाओ। बहुत बड़ा परिवर्तन सेवा में आ गया। पहले तो जब जाओ तो दरवाजे ही बंद कर लेते थे, मिलने नहीं देते थे, और अभी बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, स्टेज देते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। तो बाबा कहता है ये सब परिवर्तन होगा। पहले 90 में बाबा ने बताया अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे कि हम आपको ये सब देते हैं, आप सेवा करो, हम सब बना के देते हैं, आपकी रिक्वेस्ट मिन्नते करेंगे आ जाओ हम आपको सेंटर बना के देते हैं, हम आपको स्थान देते हैं। मेहनत आप नहीं करेंगे, वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, तब ही प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगा। ये ज्यादा समय नहीं चलेगा, सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना, और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। बाबा की तरफ सबकी नजर गई तो चारों तरफ जय जयकार के घंटे बजेंगे। ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद क्या होगा? प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी, जो किसी कारण से अलबेली रही, किसी कारण से विरोध किया, विघन डाले, तो फिर बाबा कहता खून के आंसू बहाएंगे, पश्चाताप करेंगे। और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। तीन रस, एक तरफ प्रत्यक्षता, दूसरी तरफ पश्चाताप, तीसरी तरफ परिवर्तन, ये तीनों साथ साथ होने वाले हैं। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है, आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी, और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पार्ट बजाएंगे। बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पार्ट बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन? बाबा पूछता सुना सेवा का परिवर्तन? बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते हैं, तो क्या आप छुट्टी देते? नहीं देते ना, तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्लड कनेक्शन तो चलो दो बच्चे चार बच्चे हैं, लेकिन आत्मिक कनेक्शन ब्रह्मा बाबा के इतने रेयर बच्चे। अगर छुट्टी लेते तो छुट्टी कोई देता क्या? बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ब्रह्मा बाप को तो कर्मातीत होना था या स्नेह के बंधन में जाना था। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो और पार्ट हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। मुरली सुना के आ रहे बाबा क्लासरूम से, मुरली सुना के और कमरे में आए और अवेक्ट हो गए, एक घड़ी का खेल हो गया, टाइम ही नहीं लगा, पता ही नहीं चलने दिया कि बाबा अभी शरीर छोड़ के जा रहे हैं। नहीं तो डॉक्टर आ जाते, फिर एम्बुलेंस आती, फिर हॉस्पिटल जाना होता, तो बाबा कहता घड़ी घड़ी का खेल, एक मिनट में बाबा अवेक्ट हो गए।
बांधा कितने टाइम में, समय होता तो और पार्ट हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया, ब्रह्मा बाबा को पता नहीं चला। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना, जब ड्रामा, जब वाह ड्रामा वाह है तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता, फुल स्टॉप लगा दिया ना। नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है बाबा आपको, लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगा ना, पीछे भल कुछ कितने भी क्वेश्चन उठे लेकिन उस घड़ी नहीं उठे। तो वाह ड्रामा वाह कहेंगे ना, बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, बाबा आओ आप कहाँ चले गए, कैसे चले गए। बाद में संदेशियों को कहा आप जाओ बाबा से पूछो कहाँ गए, उस समय ड्रामा ने कुछ बोलने नहीं दिया। ये ड्रामा की विचित्र नोंद होनी ही थी और होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा पार्ट को भी परिवर्तन कर देता है। ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है, मेजॉरिटी। आप सब तो कौन रचना हो, आप सभी अव्यक्त रचना हो ना, गर्दन तो हिलाओ, आप सभी अव्यक्त रचना हो ना। साकार की पालना वाली टीचर्स तो बहुत थोड़ी हैं। फास्ट गति से पैदा हुए हो, फास्ट गति से पैदा हुए हो सब विदेशी बाबा के बच्चे, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। आदि रतन है मुख वंशावली, और आप हो, आप कौन हो, आप हो संकल्प की वंशावली। संकल्प से पैदा कर दिया बाबा ने आपको, इसलिए ब्रह्मा की दो रचना गाई हुई हैं, एक मुख वंशावली और दूसरी संकल्प द्वारा सृष्टि रची। वो तो ब्रह्मा की ही रचना, तब तो बीके कहलाते हो। कोई अपने को शिव कुमार शिव कुमारी कहलाते हो क्या? नहीं ना, डबल फॉरेनर्स भी सब बाबा आपको खास याद कर रहे हैं। डबल फॉरेनर्स भी सब संकल्प की रचना है। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो ना, जब रचना ही तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति का होना चाहिए। अभी देखना मेरे पुरुषार्थ की गति क्या है, तीव्र है। बाबा तो कहते हैं जब रचना इतनी संकल्प से फास्ट हुई है, आज बाबा के अव्यक्त होने के बाद पूरे विश्व के अंदर कितने सेंटर्स खुल गए, कितने स्थानों पर नई नई सेवाएं हुई, तो संकल्प से इतनी फास्ट रचना हुई। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को अभी पुरुषार्थ भी ऐसे फास्ट करना चाहिए। सदा ये चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं और कभी कभी हूं, समझा? अब क्या क्यों का गीत खत्म करो, क्या क्यों कैसे, बाबा को ये गीत अच्छा नहीं लगता। तो अब क्या क्यों का गीत खत्म करो और वाह वाह के गीत गाओ, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। अच्छा, चारों ओर के सर्व सने और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथी समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा सांसोज फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्वलौलीन बच्चों को
इस महत्व दिवस के महत्व के साथ मात पिता का विशेष याद प्यार और नमस्ते। बाबा को बोलो बाबा आपको बहुत बहुत दिल से नमस्ते। आज के महावाक्य 18 जनवरी के आप सबने सुने, कितने गहरे राज बाबा ने इसमें स्पष्ट कर दिए। अंतिम समय को इमर्ज किया, सेवाओं की वृद्धि को इमर्ज किया, संकल्प की रचना कितनी शक्तिशाली है, उनको पुरुषार्थ कैसे तीव्र करना है, बहुत सारी बातें एक छोटी सी मुरली में बाबा ने सुना दी। अभी पार्टियों का सुन लो, बहुत अच्छे महावाक्य बाबा ने अपने बच्चों को सन्मुख मिलते हुए जो सुनाए हैं, उसमें पहले है कर्नाटक का जोन है हुबली का। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पद्म भाग्यवान समझते हो, ये जो गायन है हर कदम में पद्म, इसके लिए गायन है, सारे दिन में कितने पद्म इकट्ठे करते हो, संगम युग बड़े से बड़ी कमाई के सीजन का युग है, कमाई के सीजन का युग है। तो सीजन के समय क्या किया जाता है, इतना अटेंशन रखते हो, हर समय ये याद रहे, ये ब्रह्मा बाबा का बहुत पक्का स्लोगन था, हर समय याद रहे। जब भी कोई पर्चा हम लोग छिपाते थे शुरू शुरू में, बाबा का डायरेक्शन आता था, उसके नीचे लिख दो अभी नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। तो हर समय याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं, जो घड़ी बीत गई वो फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ चले गए। इसलिए हर घड़ी ये स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः महान बनते हैं, जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः महान बनते हैं। स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है, दोनों ही विशेष है, स्वयं भी विशेष है और संगम का ये समय भी बहुत विशेष है। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया, व्यर्थ संकल्प बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती, और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म तो गवाया और समर्थ बनने का ये एक जन्म है, तो इस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो, ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो व्यर्थ गया, तो जो व्यर्थ गया वो व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा। इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। जब बाबा के महावाक्य चले थे तो दिन में 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता था, लेकिन उसके बाद भी बाबा ने और इशारे किए तो हर घंटे 1 मिनट गीत बजाया गया। हर घंटे 1 मिनट चेक करो कि हमारा पूरा समय सफल हो रहा है, कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा है,
केवल रात को चेक किया तो दिन में कितनी बातें व्यर्थ चली जाती हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है, ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो, अपना नियम बना रहना चाहिए। चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर तो सकते हो ना। जिस बात की आदत पड़ जाती है तो आदत ऐसी चीज है जो न चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते। तो सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, दूसरा ग्रुप है, सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है। जिस समय चाहें रूप बन जाएं और जिस समय चाहें बसंत बन जाएं, माना रूप, माना जिस समय चाहें योग युक्त बन जाएं, बाबा की याद में खो जाएं, और बसंत माना जिस समय चाहें ज्ञान का वर्णन करने लगे। तो ज्ञान सुनाना और ज्ञान से आवाज से परे हो जाना, ये है रूप और बसंत की स्थिति। जिस समय चाहें बसंत बन जाएं, जिस समय चाहें रूप बन जाएं। इसलिए आप सबका स्लोगन है, योगी बनो और पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। औरों का ये स्लोगन, औरों को ये स्लोगन याद दिलाते हो ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती हैं। ऐसे न हो कि बनने चाहो रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद, इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। ब्रेक यहाँ लगानी है, हमने लगाई और लगी और गाड़ी रुकी 5 मिनट के बाद, तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहीं लग जाए। सेकेंड भी देरी से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा लें। ये मन बुद्धि संस्कार आप आत्मा की शक्तियां हैं, इसलिए सदा ये प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसा लगाते हैं या टाइम लग जाता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है फिर रात को चेक करते हो, बीच बीच में चेक। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो, जिस समय बुद्धि बहुत बिजी हो, उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहें तो सेकंड में लगती है। ये बहुत बड़ी चेकिंग है। बहुत बुद्धि बिजी है काम में, बहुत कोई उलझन में है, और उसी समय हम सोचे नहीं अभी मुझे बाबा को याद कर, तो वहां से अपनी बुद्धि को मोड़ ले और उस बाबा में टिका दे। ये है कंट्रोलिंग पावर। तो बाबा कहते हैं अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहें तो सेकंड में लग सकती है। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है, बाबा के लिए तो सेकंड भी बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं
वो रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। सतयुग में रूल करने के लिए, राज्य चलाने के लिए इस समय संकल्पों पर कंट्रोल चाहिए। कंट्रोलिंग पावर वाले ही रूलिंग पावर कर सकते हैं। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर शासक हो, स्वराज्य मिला है ना, ऐसे नहीं आंख को कहो ये देखो और वो देखे कुछ और, कान को कहो कि ये सुनो और सुनते दूसरी बातें रहो। इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे। कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा न दे, इसको कहते हैं स्वराज्य। तो राज्य चलाने आता है ना, राज्य चलाने आता है ना, अगर राजा को प्रजा माने नहीं, अगर राजा को प्रजा माने नहीं, उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का? आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। ये तो पीछे परतंत्र बन गई है, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप सदा स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, तो आदि और अनादि स्वरूप याद आना चाहिए। मन का भी बंधन नहीं, अगर मन का बंधन होगा तो ये बंधन और बंधन ले आएगा, मन का बंधन और अनेक बंधन ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता, इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद आनर होंगे और फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढीले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं, आप कितना ऊंचे जा रहे हो। तो ब्रेक पावरफुल चाहिए ना, बार बार ब्रेक को चेक करो। ऐसा ना हो कि आप समझो ब्रेक तो बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे नहीं, तो धोखा हो जाएगा ना। इसलिए अभ्यास करो, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? सिद्धि दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया। रिद्धि सिद्धि वाले चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, फिर उसे क्या फायदा? आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे हैं। आपकी है विधि से सिद्धि और उन्हों की है रिद्धि सिद्धि, वो अलग काल की है और ये सदा काल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए, रचयिता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेंगी, माताओं को देख के कहते माताएं क्या करेंगी, और माताएं तो अभी क्या कर रही हैं, असंभव को संभव बना देती। जो दुनिया कहती असंभव है, माताओं ने कहा नहीं सब संभव है। हम घर गृहस्थ में रहते, परिवार में रहते, कमल फूल के समान पवित्र और योगी बन सकते हैं। दुनिया वाले समझते तो असंभव हो ही नहीं सकता, तो आपने असंभव को भी संभव बना दिया। बोलो ऐसी शक्तियां हो ना, बाबा पूछते हैं ऐसी शक्तियां हो ना। अच्छा,
आज का वरदान है बाबा का मीठा वरदान, दूसरों के लिए रिमार्क देने की बजाय, दूसरों के लिए रिमार्क देने की बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भाव। कई बच्चे चलते चलते ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जो दूसरों के जज बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। कहेंगे इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, और अपने लिए क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूं वही राइट है। वकालत करते हैं, मैं जो कहता हूं वही राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने की बजाय स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। बहुत बड़ी जवाबदारी, स्वयं का परिवर्तन करो तब विश्व का परिवर्तन होगा। स्लोगन है सदा हर्षित रहना है तो क्या करो? सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। साक्षी होकर देखना, नहीं तो खुशी गायब हो जाएगी। हाय हाय होगा, क्या हो रहा, क्या हो रहा है दुनिया में, ये हो रहा है, ये हो रहा है। कई बाबा के बच्चे ना न्यूज बहुत सुनते हैं, ऐसा हो गया यूक्रेन में, ये हो गया रूस ने, ये कर दिया फलाना हो गया, और फिर अपनी खुशी गायब कर लेते। बाबा क्या कह रहा? पक्का करना, साक्षी, साक्षी होकर देखना, बहुत न्यारे होकर के, बाबा जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि हमारी नई दुनिया आने वाली है, सतयुग की स्थापना की सब तैयारी हो रही है, तो कलयुग तो जाएगा ना। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे कैसी भी परिस्थिति आए आप शुभ भावना रखो, विशेष योग की सकास दो, मनसा सेवा करो। क्वेश्चन में नहीं जाना, ऐसा किया वैसा किया, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। बाबा कहता है तुम दूसरों को नहीं देखो, अपने जज बनो, दूसरों के जज नहीं बनो। तो बाबा ने आज की वरदान में, आज की मुरली में हम सबको कितना समर्थ शक्तिशाली बना दिया। फुल स्टॉप लगाओ, बच्चे संकल्पों को बचाओ, व्यर्थ नहीं जाने दो। ऐसे नहीं जो आया सोचते रहो सोचते रहो। बाबा कहता फुल स्टॉप, संकल्प नहीं चलाओ। आप राजा हो ना तो मन और बुद्धि पर राज्य करो। सभी बाबा के बच्चों को आज की मुरली के अनुसार बहुत ऊंचे से ऊंची स्थिति बनानी है, तीव्र गति का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने आपको बहुत तीव्रता से पैदा किया, जन्म दे दिया, कई तो बाबा के लॉकडाउन में बच्चे बन गए। तो आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली हो जो भगवान की छत्र छाया में, पालना में पल रहे हो, सुरक्षित हो। लेकिन बहुत बड़ी सेवा है कि रहम दिल बन करके सबको सकास देते रहो, अपनी सूक्ष्म भावनाएं, शुभ भावनाएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। ठीक है, ये भावना रखना, सबका भला हो, सब सुख पाए, सब मुक्त हो जाएं दुखों से, अशांति से, चिंताओं से, भय से, सबको मुक्ति दाता बन करके मुक्ति देनी है। ठीक है ना? ओके, ओम शांति।